हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। और गाइस, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो होता है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता है ये हर फाइनेंशियल ईयर में हमें थोड़ा बहुत बढ़ाकर दिखाना होता है, क्योंकि गाइस इससे क्या होता है, हम इसे कम नहीं दिखा सकते हैं। यदि ग्रोस प्रॉफिट आपने मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 7.27 दिखाया है, तो आप इसे 6.27 नहीं दिखा सकते हैं, आपको बढ़ाकर ही दिखाना होगा। क्योंकि गाइस होता क्या है, गवर्नमेंट यदि आप ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट इसको टैक्स चोरी मानती है और आपका स्कूटनी में केस लग सकता है। तो गाइस, अब जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताऊँगा आपको, जो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। तो गाइस, चलते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट पर, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। तो गाइस, ये एक एग्जांपल है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी डेबिट साइड है, इसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 और ग्रोस प्रॉफिट। अभी इसमें हम देखते हैं, अब चलते हैं अपने क्रेडिट साइड की तरफ, सेल अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं हम, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस में। तो गाइस, इसमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट आएगा क्योंकि हमने जो क्रेडिट साइड है इसको प्लस कर लेंगे और टोटल में से ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो गाइस, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो गाइस, अब जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो ग्रोस प्रॉफिट इसमें हमारा सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और गाइस, यदि आपका ग्रोस लॉस है तो ग्रोस लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो गाइस, इसमें क्या होता है, हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है इसी फॉर्मूले के अनुसार ही हम अपना ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब गाइस, जो ग्रोस लॉस है उसमें क्या करते हैं गाइस, जो हमने लास्ट में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो गाइस इसमें हम स्टार्टिंग में से जो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ये अपोजिट हो जाता है उसका। तो गाइस, ये हमारा ग्रोस लॉस इससे निकल कर आ जाता है जो फॉर्मूला है। अब गाइस, बात आती है ग्रोस प्रॉफिट रेशो की। तो गाइस, जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड टोटल सेल इनटू 100। तो गाइस, इससे हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाता है। तो गाइस, जैसे हमारा ग्रोस प्रॉफिट 40,000 है बट हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो गाइस, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो गाइस, जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है वो है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू 100। तो गाइस, हमने क्या किया है, हमने ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू 100, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो इसमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकल कर आ गया। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितना निकल कर आया है, तो इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया तो इसमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया 7.27। तो गाइस, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो किस पर निर्धारित होता है गाइस, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की सेल करते हैं तो उस पर
मार्जिन निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं 100 रुपये की, तो उस पर 5 रुपये मार्जिन हमें रखना है या लेना है। तो गाइस हर व्यापार में, जब अलग अलग व्यापार के लिए मार्जिन निर्धारित होता है, तो गाइस हमें उसके अनुसार ही अपना मार्जिन निर्धारित करना होता है, जो कि ग्रोस प्रॉफिट पर डिपेंड होता है। तो गाइस जो ग्रोस प्रॉफिट है हमें उसी के बेस पर अपना निर्धारित करना होता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।